चंडीगढ़ के अंदर ट्राइस्टी में ड्रग्स की सप्लाई होती है या तो पंजाब की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जो भी पूछताछ में आता है। इन्फॉर्मेशन थी कि भाई दिल्ली से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, वो यहाँ ड्रग्स की सप्लाई क्लास में और जो उनके पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं उनको ये डिलीवरी करते हैं। उनका नाइजीरियंस का ही जो ग्रुप है, सर्कल है, अपने थ्रू ही ये ब्राज़ील से केरल में आता है, केरल से फिर आके दिल्ली से आगे सप्लाई होता है। चंडीगढ़ में ये नहीं रह रहे थे, दिल्ली से स्पेशल डिलीवरी करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। ये सर, 3 नाइजीरियन काबू किए गए हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या निकला है, किस तरह की जो है ये डील करते थे ड्रग्स वगैरह तस्करी? राठी जी, ऐसा है कि चंडीगढ़ के अंदर ट्राइस्टी में ड्रग्स की सप्लाई होती है या तो पंजाब की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है जो भी पूछताछ में आता है जी। तो हमें रिसेंटली ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई दिल्ली से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, वो यहाँ ड्रग्स की सप्लाई क्लास में और जो उनके पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं उनको ये डिलीवरी करते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने इंडस्ट्री एरिया में है, फेज वन के अंदर है, 30 तारीख को शनिवार के दिन जिस दिन क्लब्स वगैरह होते हैं उस दिन इनको नैब किया था। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर क्राइम ब्रांच की टीम ने नैब किया था और उसके बाद जब इनको सर्च में इनके पास से 204.8 ग्राम आइस एम्फेटामीन है वो रिकवर हुई थी। ये कमर्शियल क्वांटिटी है और हाई क्वालिटी का ड्रग है। तो इसमें इनको अरेस्ट के बाद इनसे पूछताछ चल रही है, तो पूछताछ में अभी हम जो एंड है इनका वो दिल्ली से है, दिल्ली में कहाँ से आती है फर्दर इस पर चले हैं। जो अभी तक की पूछताछ में ये आया कि भाई दिल्ली के अंदर जो इनका नाइजीरियंस का ही जो ग्रुप है, सर्कल है, अपने थ्रू ही ये ब्राज़ील से केरल में आता है और केरल से फिर आके दिल्ली से आगे सप्लाई होता है। और इनकी अपनी नाइजीरियंस हैं जो, या इनके और एसोसिएट्स हैं, उनकी अपनी चेन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस चेन को ब्रेक करें और जो फर्दर लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, एक्सपोज करें। डिप्टी साहब, क्योंकि ऑब्वियसली लगातार आप इसको ब्रेकआउट करते हो, लेकिन नाइजीरियन जो है, क्योंकि कॉलेजेस भी हैं चंडीगढ़ के साथ लगते, बहुत कॉलेजेस हैं और पहले हमने देखा गया है कि नाइजीरियन मोस्टली ही ड्रग्स में संलिप्त पाए जाते हैं, उसको लेकर पुलिस किस तरह से आइडेंटिफाई कर रही है? क्योंकि ट्राई सिटी में भी रेंट पे, पीजी पे कई ऐसे नाइजीरियन रह रहे हैं जो स्टडी पर आए हैं या फिर जॉब पर्पज पर आए हैं। जो नाइजीरियंस हैं नॉर्मली इंडिया में जो पहले आए हैं, पहले चंडीगढ़ में भी थे, लेकिन नॉर्मली अब ये जैसे और भी पंजाब में भी कहीं फैले हो सकते हैं, जाते हैं स्टडी के लिए यूनिवर्सिटीज में, तो दिल्ली में है, कन्फाइंड दिल्ली में ज्यादा है। ये स्टडी बिजनेस पे, स्टडी वीजा पे आते थे पहले, अब बिजनेस पे या मेडिकल वीजा पे आते हैं, तो ये अपने लिंक्स हैं उनके थ्रू ही आगे सप्लाई करते हैं जो इनके अश्योर्ड जो पक्के लिंक्स होते हैं। तो ये चंडीगढ़ के अंदर है, जो अपने लिंक्स हैं इनके, जो पर्टिकुलर इनके क्लाइंट्स हैं जिनको देते हैं, लार्ज क्वांटिटी देते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। छोटी क्वांटिटी तो ये मौका देखकर, जैसे क्लब वगैरह है वहां पे, स्पॉट पे है, वहां डिलीवरी इस तरह की। सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड पीछे का क्या है तीनों का? इनमें से जो एक है, एक 2019 में 39 पुलिस स्टेशन पे हीरोइन के साथ 207 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा गया था और वो बेल पर है। एक जो दूसरा है इनका साथी है, वो साथी तिहाड़ जेल से ही फॉरनर्स एक्ट में अंदर था, ओवरस्टे कर रहा था, तो उसमें अरेस्ट था, अभी रिसेंटली बाहर आया है। ठीक है। तो सर, ये तीनों यहीं रह रहे थे या फिर आते जाते थे दिल्ली से या फिर यहीं पर कहीं चंडीगढ़ में ही कहीं पर? ये चंडीगढ़ में ये नहीं रह रहे थे, दिल्ली से स्पेशल डिलीवरी करने के लिए ही यहां पर आए थे ये। ओके। और ये पकड़े गए हैं और दिल्ली के अंदर, ये विकासपुरी के अंदर है और चंदनपुर है। वहाँ बड़ा अहम हो जाता है कि क्लब्स में या फिर और कहीं जगह पर सप्लाई करना, कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आई है सर चंडीगढ़ या फिर ट्राई सिटी की? इन्वॉल्वमेंट हम उस पर काम कर रहे हैं। ओके। हाँ, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो यहाँ लोकल्स हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि पूरा एक नेक्सस जो नाइजीरियन का है वो काम कर रहा है और खासतौर पर जो ड्रग्स सप्लाई को लेकर पीछे भी काफी ये पूरा नेक्सस बस्ट किया गया था क्राइम ब्रांच की तरफ से और अब ये जो कमर्शियल क्वांटिटीज के साथ पकड़े गए, इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से इनकी पूरी चेन काम करती है, चाहे वो दिल्ली का रिलेशन हो, चाहे वो बाहर विदेश का रिलेशन हो, किस तरह से ये पहुंचती है और किस तरह से सप्लाई चेन बनी हुई है और काफी समय से ये क्लब्स को या फिर जो यूनिवर्सिटीज होते हैं खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको सप्लाई की जाती है। हालांकि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं।